हेलो एंड वेलकम टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 44 को सॉल्व करेंगे और ये एक्टिविटी शीट 11th ऑफ मार्च यानी कि फ्राइडे की है और क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की एक्टिविटी शीट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो हम इसी वीडियो में दोनों ही मीडियम के आंसर शीट्स को सॉल्व करेंगे। तो हम शुरू करें और आगे बढ़े इससे पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे चैनल से जुड़ी कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अवर कंट्री इंडिया। द डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। People speaking different languages live in a small town in India. The bar graph below shows the number of people speaking different languages in this city. हमारे देश भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यही विविधता भारत की एक अनूठी विशेषता है। भारत के एक छोटे से शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। नीचे दिया गया दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ इस शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें बायोग्राफ दिया गया है और ये किसी एक शहर के लोगों के बारे में ये बायोग्राफ है कि वहाँ के लोग कौन कौन से भाषा बोलते हैं। जैसे पंजाबी, मराठी कितने लोग बोलते हैं, पंजाबी कितने लोग बोलते हैं, हिंदी कितने लोग बोलते हैं, इंग्लिश कितने बोलते हैं, तमिल कितने बोलते हैं और उर्दू कितने बोलते हैं। ये वैसे ही सेम हिंदी में यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो इसके अलग अलग नंबर्स हैं। अब ये कैसे, तो यहाँ जो वर्टिकल साइड है वहाँ पे आपको लैंग्वेज यानी कि भाषा का नाम दिया गया है और नीचे हॉरिजॉन्टल साइड यानी ये जो नीचे साइड है यहाँ पे आपको नंबर दिए गए कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं। तो कैसे हम जानेंगे, जैसे यहाँ पे मराठी है तो मराठी भाषा कितने लोग बोलते हैं, तो आप ये देखोगे कि ये जो बार है वो कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर हम इसे देखेंगे नीचे तक ये कहाँ आता है, ये 2000 और 3000 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच यानी कि 2500 ऐसे लोग हैं। तो 2000 और 3000 के जो बीच की बिल्कुल संख्या है वो है 2500। तो 2500 ऐसे लोग हैं जो कि मराठी बोलते हैं उस शहर में। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बायोग्राफ। विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट। दंड आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है ये बताना है। तो कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है आप कैसे पता लगाएंगे, जो भी बार सबसे लंबा है वो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो सबसे लंबा जो है वो यहाँ पे देखो हिंदी का है। नीचे में भी आप देखो हिंदी वाला सबसे लंबा है बार ग्राफ, यानी सबसे ज्यादा लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, हिंदी। दूसरा है नेम द लैंग्वेज विच इज लीस्ट यूज। उस भाषा का नाम बताइए जो सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है। अब सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कौन सी होगी जिसका बार ग्राफ सबसे छोटा होगा। तो आप इन छहों में सबसे छोटा जो है तमिल का है बायोग्राफ, जो कि यहीं तक है, बाकी सबके बायोग्राफ इससे ज्यादा बड़े हैं। तो नीचे भी आप देखो तमिल का सबसे छोटा है 2000 पे ही। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू। मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल बताना है कि कितने लोग हैं जो मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि मराठी कितने बोलते हैं, पंजाबी कितने बोलते हैं, तमिल कितने बोलते हैं, उर्दू कितने लोग बोलते हैं, फिर इन सबका जो हमें नंबर मिलेगा उन सबको हम जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो मराठी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2500 लोग, यहाँ मैंने बताया था 2500, तो हमने 2500 लिख दिया मराठी के लिए। फिर नेक्स्ट पंजाबी, तो पंजाबी है हमारा यहाँ पे, ये आता है सीधे 4000 और 5000 के बीच में यानी कि 4500, तो ये हो गया 4500। फिर हमें देखना है तमिल कितने लोग बोलते हैं, तो तमिल भी हमने यहाँ देखा ये यहाँ पे आ रहा है 2000 पे, तो 2000 लोग बोलते हैं तमिल। फिर लास्ट है उर्दू, तो उर्दू कितने लोग बोलते हैं, ये 3000 और 4000 के बीच में बिल्कुल आ रहा है यानी कि 3500 लोग जो है वो उर्दू बोलते हैं। तो हमें ये चारों नंबर मिल गए, अब हम चारों को जोड़ देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 12500 जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर पीपल स्पीक हिंदी देन इंग्लिश। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लोग बात करते हैं लेकिन इंग्लिश के मुकाबले हिंदी कितने अधिक लोग बोलते हैं, यानी कितने ज्यादा लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश से कितना ज्यादा लोग हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं जो कि इंग्लिश बोल रहे हैं और 15 लोग हैं जो कि हिंदी बोल रहे हैं,
तो 10 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, 15 लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी बोलने वाले लोग इंग्लिश से कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है। इसी तरीके से हमें यहाँ भी निकालना है। तो पहले हम देखेंगे अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं 6000, हिंदी में देख लो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं 6000, तो हमें इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल गए 6000। अब हिंदी कितने लोग बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा 7000-8000 के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे 7500, हिंदी के 7500। तो हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और इंग्लिश बोलने वाले कम है, और हमें ये बताना है कि हिंदी कितने ज्यादा लोग बोलते हैं इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो हम 7500 में से 6000 को माइनस करेंगे और जो आंसर होगा वो हमें यहाँ का आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1500 लोग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी, इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। अब कुल व्यक्तियों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कितने लोग क्या भाषा बोल रहे हैं, यानी मराठी कितने लोग बोल रहे हैं, पंजाबी कितने लोग बोल रहे हैं, हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश, तमिल और उर्दू, ये सब कितने लोग इन भाषाओं में बात करें, इन सब को हम ऐड कर देंगे। यानी मराठी का 2500, पंजाबी का 4500, हिंदी का 7500, इंग्लिश का यहाँ पे 6000, तमिल का 2000 लोग और उर्दू के 3500 लोग, इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो इनकी जो कुल संख्या जो हमें मिलेगी वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, ये हम सबको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 26000। मतलब जो जो भाषा जितने जितने लोग बोल रहे हैं उन सबको हमें जोड़ देना है। नेक्स्ट है एफ, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम योर क्लासमेट अबाउट दियर मदर टंग, ऑल्सो रिप्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। अपने सहपाठियों से उनकी मातृभाषा के बारे में आंकड़े एकत्र कीजिए, एकत्रित आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में भी निरूपित कीजिए। तो आपको अपने आपके कक्षा में मान लो 50 बच्चे हैं, तो आपको 50 बच्चों से बोलना है, पूछना है कि उनकी मातृभाषा क्या है। तो हो सकता है 50 में से 20 बच्चों की मातृभाषा हिंदी होगी, 5 बच्चों की मातृभाषा पंजाबी होगी, 7 बच्चों की मातृभाषा मराठी होगी। तो कितने कितने बच्चे कौन कौन सी मातृभाषा बोलते हैं उसको आपको यहाँ पे दंड आलेख के रूप में यानी बार ग्राफ के रूप में आपको प्रेजेंट करना है। तो पहले तो डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 7। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है, एक्चुअल आपकी क्लास में कितने लोग हैं और कितने लोग क्या भाषा बोलते हैं ये आपको लिखना है। तो हिंदी 7 है, पंजाबी बोलने वाले 5 है, मलयालम बोलने वाले 2 है, भोजपुरी बोलने वाले 3 है, तमिल बोलने वाले 4 है। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे कि कुल संख्या कितनी हमारे क्लास की, टोटल कितने बच्चे हो गए, 21। तो इसी को आपको बार ग्राफ में ही दिखा देना है। जैसे हमने ये वाला देखा है तो ऐसे ही आप लिखोगे हिंदी बोलने वाले, यहाँ पे आप 1000-2000-3000 की जगह 1-2-3-4-5-6 ऐसे करके लिख दोगे और यहाँ पे भाषा लिख दोगे। और मान लो कि अगर दो लोग मराठी बोल रहे हैं तो आप मराठी के आगे यहाँ 2 तक आप बार ग्राफ बनाओगे। मान लो पंजाबी आपके क्लास में 5 लोग बोल रहे हैं तो पंजाबी के आगे आप 5 तक ऐसे बार ग्राफ बना दोगे। मान लो आपकी क्लास में 8 लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी का बायोग्राफ आप यहाँ 8 तक ऐसे बना दोगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ICT चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ICT चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहाँ पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के PDF भी वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।